नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की पहली कहानी के बारे में। अब शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो कार्तिक व्रत रखा करती थी। व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक खिचड़ी का कटोरा रख कर चले जाते। बुढ़िया की पड़ोसन हर रोज़ ऐसा देख कर ईर्ष्या करती और कहती कि इसका कोई भी नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी मिल ही जाती है। बुढ़िया एक दिन कार्तिक स्नान करने गंगा चली गई। कृष्ण भगवान पीछे से आए और खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। बुढ़िया की पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया भी नहीं है। खिचड़ी का कटोरा उठाकर पछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई, उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर बुढ़िया की पड़ोसन जहाँ खिचड़ी फेंक कर आई थी, वहाँ एक पौधा उगा, उसमें दो फूल लगे। एक बार राजा उसी ओर निकला, उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और उसने फूलों को तोड़ा और घर ले गया। घर ले जाकर फूलों को रानी को दिया और रानी ने फूलों को सूंघा और रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र जब बड़े हुए तो किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो शिकार पर जाते तो वही बुढ़िया रास्ते में मिलती, जो कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। खिचड़ी हम है तेरा वेला। जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया हर बार यही बात कहती, उन दोनों का भी वही उत्तर होता। एक बार ये बात राजा के कानों में पड़ गई। राजा को आश्चर्य हुआ कि हमसे तो ये दोनों बोलते नहीं और ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। बुढ़िया को राजा ने राजमहल में बुलवा लिया और बुढ़िया को कहा कि ये दोनों हमसे बात नहीं करते, तुमसे कैसे बात करते हैं। बुढ़िया बोली, महाराज हमें तो पता नहीं हमसे कैसे बात करते हैं। हम तो कार्तिक व्रत किया करते थे। व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण जी आते और कृष्ण जी मुझे खिचड़ी का वेला भर कर दे जाते। एक बार मैं कार्तिक स्नान गई, जब मैं वापस आई तो मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और तब से मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा वेला। तब दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारी पड़ोसन ने फेंक दी थी, वहाँ पर दो फूल खिले, फूल राजा तोड़कर घर पर ले गया, फूलों को राजा ने रानी को दिया, रानी ने फूलों को सूंघा और रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद हम दो लड़कों का जन्म हुआ, हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने के लिए कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इस बुढ़िया की सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।